तो हे गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे एसआर कृष्ण का चैनल जो है टर्मिनेट हो गया है। तो गाइस, मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में कहा था कि अगर आप लोग का भी कोई व्हाट्सअप स्टेटस का चैनल है और आप लोग भी आपके चैनल को टर्मिनेट होने से बचाना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट कर देना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो गाइस, मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए और मैंने सारे कमेंट्स पढ़े भी। तो गाइस, मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देता हूं और आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग आपके चैनल को सस्पेंड होने से बचा सकते हो। तो गाइस, अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है उसे भी दबा दीजिए ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइस, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आप लोग का कोई व्हाट्सअप स्टेटस का चैनल है और आप लोग के बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर, मतलब 50,000 या 1,00,000 या उससे भी ज़्यादा हो और आपका मोनेटाइजेशन भी ऑन हो, मतलब कि आपका जो एड्स आ रही हो, पैसे आ रहे हो, अर्निंग हो रही हो, तो गाइस आप लोग को मैं यही सजेशन देता हूँ कि आप लोग पूरा कॉन्टेंट चेंज कर दो तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि अगर आप लोग कॉन्टेंट चेंज नहीं करते तो आज नहीं तो कल आप लोग पर भी यूट्यूब एक्शन ले सकता है। तो गाइस, जो भी व्हाट्सअप स्टेटस के जो भी वीडियो है आपके चैनल पर, उनको आपको धीरे धीरे करके डिलीट करने होंगे और आपको नया कंटेंट डालना होगा। तो नया कंटेंट दोस्तों आपको क्या डालना है वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन गाइस, अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो, आप लोग कंटिन्यू व्हाट्सअप स्टेटस की वीडियो डालते हो तो शायद यूट्यूब कभी ना कभी आप पर भी एक्शन ले सकता है। तो गाइस, ये आपकी मर्जी है, आपको चेंज करना है कि नहीं करना है। अब दूसरी बात गाइस, जिसका चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है और उनके अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइब भी अच्छे, तो गाइस उन लोग को बस इतना करना है कि उनके जो भी वीडियोस हैं उनके वीडियोस पर कोई कोई टाइटल में लिखा हुआ है सॉन्ग का नाम, मतलब जो सॉन्ग से आपने बनाया है स्टेटस उस सॉन्ग का नाम भी लिख दिया है, तो आपको पहले तो उसका सॉन्ग का नाम चेंज करना है और नॉर्मली व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो लिख देना है। और अगर आप लोग ने आपके टाइटल पर हार्ट टचिंग या फिर वेरी इमोशनल या फिर दिल को छू जाने वाला ऐसा कुछ लिख कर रखा है टाइटल पे, तो ये सब भी हटा दीजिए, वहाँ पर आप लोग नॉर्मली व्हाट्सअप स्टेटस लिख दीजिए तो शायद आप लोग बचे रहोगे। और तीसरी बात दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग का कोई थंबनेल ऐसा हो, क्लिक बाइट वाला हो, मतलब कि कोई एडल्ट हो, मतलब किसिंग वाला हो, कोई हॉट हो, तो प्लीज़ पहले उससे जाकर हटा दीजिए या फिर आप लोग चाहो तो आपका उस वीडियो को ही पूरा हटा दीजिए। और गाइस, अगर आप लोग का कोई ऐसा वीडियो है जो किसिंग वाला स्किन है उसके अंदर, या कोई हॉट स्किन है, या फिर उसका थंबनेल बहुत ही क्लिक बाइट वाला है जो देखते लोग क्लिक कर दे, तो गाइस आप लोग उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए या फिर प्राइवेट कर दीजिए या फिर एज रिस्ट्रिक्टेड कर दीजिए, मतलब कि कोई 18 साल के ऊपर होगा वही देख पाएगा, और थंबनेल को भी चेंज कर दीजिए वरना आप लोग को भी कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक पड़ सकती है। तो गाइस, यहाँ पर मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग गाइस अगर बॉलीवुड का ओरिजिनल सॉन्ग यूज़ कर रहे हो आपके स्टेटस वीडियोस पर, जैसे कि कोई शाहरुख खान का कोई पिक्चर आया या सलमान खान किसी का भी पिक्चर आता है तो उसका जो सॉन्ग आता है आप लोग डायरेक्ट वो पूरा ओरिजिनल सॉन्ग यूज़ कर ले रहे हो तो भी आपको रिस्क है, आप लोग को सॉन्ग यूज़ नहीं करना है, आपको यूट्यूब पर से उस सॉन्ग का कवर सॉन्ग ढूंढ लेना है और उसको आपके वीडियो पर यूज़ करना है। और कवर सॉन्ग भी आपको दोस्तों छोटे मोटे चैनल से नहीं लेना है, जिसके सब्सक्राइबर 1-2 लाख से ज़्यादा हो उनके ही कवर सॉन्ग यूज़ करो वरना वो भी आपको स्ट्राइक दे सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस, मैं आप लोग को ओरिजिनल सॉन्ग यूज़ करने के लिए इसलिए ना बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक जिनको भी कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आई है सभी को ओरिजिनल सॉन्ग होता है जो उस पर ही स्ट्राइक आई है, किसी को भी कवर सॉन्ग पर स्ट्राइक नहीं आई है। तो गाइस, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि कवर सॉन्ग यूज़ करो, ओरिजिनल मत करो। यहाँ पर गाइस, मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ने आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत ही ज़्यादा भर के रखा है, मतलब कि बहुत सारे टैग लगा कर रखे, बहुत सारे कीवर्ड्स लगा के रखे, तो उन सारे कीवर्ड्स को हटा दीजिए। यहाँ पर गाइस, आप लोगों ने स्टेटस बनाया है न्यू रोमांटिक लव स्टेटस, तो आपका जो स्टेटस है वो रोमांटिक है, लेकिन आप लोगों ने आपके डिस्क्रिप्शन में सैड, हार्ट टचिंग, दिल को छू जाने वाला या फिर तमिल रोमांटिक ना, ऐसे वैसे आपने बहुत सारे हैशटैग या फिर कीवर्ड्स लगा कर रखे, तो ये भी कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करते हैं, इनकी वजह से भी आपको स्ट्राइक पड़ सकती है। और अगर आप लोगों ने गलत टैग लगा कर रखे, मतलब कि आपका जो चैनल है, समझो मेरा चैनल जो न्यू लव स्टेटस है और मैं अगर एसआर क्रिएशन या अजेंद्र क्रिएशन या एमडी सद्दाप का टैग लगाता हूँ मेरे, तो गाइस ये भी एक गलत तरीका है टैग यूज़ करने का, आप लोग इस तरह किसी का भी टैग यूज़ नहीं कर सकते, इस तरह टैग यूज़ करने पर भी आप लोग को कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक पड़ सकती है। तो यहाँ पर गाइस, मैंने आप लोग को सेफ रहने के इतने सारे चीज़ें बता दिए, अब आपकी मर्जी आप लोग को फॉलो करना है कि नहीं करना है। मुझे लगता है ये सब अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आपका जो चैनल है वो शायद सस्पेंड होने से या टर्मिनेट होने से बच सकता है। तो गाइस, मैं पक्का नहीं बोलता कि आपका जो चैनल है बच ही जाएगा, और मैं पक्का ये भी नहीं बोलता कि आपका जो चैनल है सस्पेंड हो जाएगा। तो गाइस, ये थोड़ा बहुत किस्मत पे जाता है और बाकी यार यूट्यूब पे जाता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं दोस्तों, हम लोग बस थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं कि हमारा चैनल ऐसे बच जाए। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप लोग मुझे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।